वारदात, राजूपाल की हत्याकांड के गवाह पर हमला हुआ है, गवाह उमेश पाल पर जानलेवा हमला हुआ है। उमेश पाल और दो अन्य लोगों को गोली लगने की खबर आ रही है। घर में घुसकर उमेश पाल को गोली मारी गई। हमले में उमेश पाल और एक अन्य की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, मोहम्मद गुफरान जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, क्या कुछ जानकारी है इस बड़ी खबर पर? देखिए, उमेश पाल जो माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड में गवाह हैं, इस मामले में आज कोर्ट में गवाही थी। करीब 4 बजे तक उमेश पाल जो है वो कोर्ट परिसर में मौजूद थे। कचहरी में अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने के लिए पहुंचे थे। बताया जाता है कि जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकल करके अपने घर पहुंचते हैं, तभी घर के भीतर घुस करके हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 16 राउंड फायरिंग की जो बात है वो सामने आई है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी। उमेश पाल के अलावा 2 उनके जो सुरक्षा कर्मी, जो पुलिस कर्मी जो लगाए गए थे सुरक्षा में, उनको गोली लगी, जिसमें उमेश पाल और एक सिपाही की जो मौत की खबर है वो फिलहाल सामने आ रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन अभी मौत की खबर को स्पष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल सोर्सेज ये साफ बता रहे हैं कि दोनों की मौत हो चुकी है। उमेश पाल और एक सिपाही, दोनों की मौत की जो खबर है वो हॉस्पिटल सोर्सेज साफ कर चुके हैं। हालांकि अभी अधिकारी मौत की खबर को लेकर के पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मौके पर आला अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं। तमाम जो उमेश पाल के जो समर्थक हैं उनमें आक्रोश है, वो हॉस्पिटल परिसर में पहुंचे हैं। घटना को लेकर के अधिकारी पूरे हर पहलू को जानने के में जुटे हैं कि किस तरीके से घटना हुई, कौन लोग थे, कितने लोग थे, इस तरीके की तमाम जो जानकारियां हैं वो एकत्रित की जा रही हैं। लेकिन हमारी अपनी जो जानकारी है उसमें ये है कि करीब 4 से 5 लोग थे, बाइक से आए थे और करीब 16 राउंड ताबड़तोड़ उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया और सीधे तौर पर जो फायरिंग हुई, उस फायरिंग में उमेश पाल और एक सिपाही की जो मौत की खबर है वो सोर्सेज के हवाले से अभी आ रही है। एक अन्य सिपाही जो है वो गंभीर रूप से घायल है। हर पहलू पर अधिकारी जो है वो जानकारी जुटा रहे हैं कि घटना के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है, लेकिन हमारी अपनी जो जानकारी है, अतीक के खिलाफ गवाही देने वाले थे ऐसी जानकारी भी है। और ये मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील हो जाता है कि एक शख्स गवाही देने के लिए जा रहा होता है और वहां पर इस तरह से दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। देखिए, बिल्कुल, साल 2005 में बीएसपी के तत्कालीन विधायक राजू पाल थे, उनकी हत्या हुई थी। इस घटनाक्रम में उमेश पाल मुख्य गवाह थे, अतीक अहमद इस पूरे घटना में मुख्य आरोपी था। और आज जो है इस पूरे घटनाक्रम की जो गवाही है वो कोर्ट में थी। 4 बजे तक कोर्ट में गवाही हुई है। उसके बाद जैसे ही उमेश पाल अपने घर पहुंचते हैं, कचहरी से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है और घर के भीतर ही उनको गोली मार करके हत्या की जाती है और उनके 2 सुरक्षाकर्मी जो है उन पर भी फायरिंग की जाती है। पूरी घटना को लेकर के सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। हालांकि अभी पूरी घटना के पीछे की असल वजह क्या है, कौन लोग थे इस पूरे घटना के पीछे, इसको लेकर के जो अधिकारी हैं तमाम कड़ियां जुड़ा रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो खबर ये है कि उमेश पाल और एक सिपाही, 2 लोगों की मौत की खबर जो है वो आ रही है। हालांकि सोर्सेज ये बता रहे हैं, अभी अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी घटना की अगर बात करें तो बेहद गंभीर घटना है। साल 2005 यानी कि एक हत्याकांड के गवाह को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकी पुलिस। देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा उमेश पाल के साथ 2 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। हालांकि सवाल यही है कि 2 सुरक्षाकर्मी जो सुरक्षा में थे, पुलिसकर्मी थे, उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, बावजूद इस तरीके की वारदात हो जाती है, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं होती, दूसरी तरफ से कोई फायरिंग नहीं होती, हमलावर सीधे तौर पर मौके से फरार हो जाते हैं, तो सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि 2 सिपाही भी इस पूरे घटनाक्रम में जो है उनको भी गोली लगी है, जिसमें एक की मौत की खबर है। हालांकि अभी ये आधिकारिक सोर्सेज जो है वो नहीं साफ कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उमेश पाल और इसके अलावा एक अन्य जो है उनकी मौत फिलहाल हो चुकी है। जी गुफरान, शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए इस बड़ी खबर पर।